मैदान वेखांगे समय वाल वेखांगे बल्लों की टीम जीतती है कि जी टीम जीतती है वह गल समय दिया शकील कुलदीप नरेंद्र करण अरनूर अमर गुरमीत कैप्टन इस टीम का पिंपल यतीन शकर सन्नी साहिल निशांत शिदू ते मणि ते कुणाल दे दरबार होवेगा दोस्तो शकर दा नाम सुन के याद आ गई शकरपुरिया फरियाद है जिहड़ा दुनिया दा महान कबड्डी खिलाड़ी है फरियाद अली दुनिया दा महान कबड्डी खिलाड़ी है 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 वाह भाई वाह नेमा दिंदा हर एक खिलाड़ी दा नाम दसदा है वाह भाई वाह शुरू होने लगी है दोनों टीम दी एक यादगार फोटो हो रही है जिन कल अखबार से भी आनी है तो अज यूट्यूब चैनल से भी चढ़नी है यादा रह जाए ने जाना तो भी तो सारे ने जरा बंदा कहते ड्रामा पहलवान सब तो बड़ा हिंदुस्तान का पहलवान होया है जन्म 1978 में अपने परिवार को लेके लाहौर शहर जा बसया पाकिस्तान के अंतिम कहते समा गामे की मौत कहते लाहौर शहर हुई अज भी लोग कबर से जाके छोटे बच्चों को मत्था टकाते हैं पहलवान यहोजा नशे पत्तियों को मुक्त रखने का साढ़े बेटे ने भी यहोजा बहुबाद पहलवान बनाई अज भी दुनिया के ना आते दलीप पिंड भी पुजे ने बहुत बाद पुजे ने उधर सतपाल जी अज पायलट ने अज पहलवान ने अज कबड्डी के खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा मैडल मैडल जो गोल्ड मैडल जितने हिंदुस्तान के लड़कियों ने जित के लिया हिंदुस्तान की झोली के पाए अज भी वड्डा वड्डी गल करिए लड़कियों तो घट नहीं जिस तरह मेरे वीर ने दसिया एक भी साड़ी भैन मैच शुरू हो लगा हरियाणा की टीम तरफों रेड करती हुई छोड़ी जी दीपिका जम्मू तरफों रेड करती हुई सुमन ने जप्पा लाया ताड़िया ला दर्शक एक बार ग्राउंड जरा हरियाणा वास्ते जम्मू के मुकाबला ज्यादा धन्यवाद करता जिन्हें भी इतने पहुंचे हुए हैं अपने चीफ गेट वगैरह सज्जन अपने जिन्हें भी पहुंचे हुए सारे तहत धन्यवाद करता हरियाणा की कुड़ी कहते हरियाणा भी किसी को घट नहीं।
कराई हुई है। ये हरियाणा बहुत ही शानदार जपा लागे जम्मू लक्ष्मो रेड करती हुई देखते हैं पॉइंट हासिल करता कि नहीं। उधर जप्पा लोन ले भी जम्मू की टीम तैयार हुई है। सुमन रेड का बारो दर्शकों ताड़ियां मार दिया करो, कहते वो इंसान भी है। नीट लाने की कोशिश करती हुई सुमन ने जप्पा लाने की कोशिश की थी, लेकिन अंक जरा हरियाणा का खाता खुल गया दर्शकों। हरियाणा का भी बड़ा जोर लगता मीडिया वाले का, कदे फोटो लैन पेंडी हो जाते कदे एन पेंडे हो जाते कदे लंबे जुड़े पोच बनाते मीडिया ने लागू तारियां लाने दर्शको अच्छे रोड कमांडी इन्होंने रोड कमांडी पहली बात सबसे पहले जो शहीदों के नाम जो टूर्नामेंट कराई जा रही है कबड्डी की, सबसे पहले तो उनके शहीदों को और उनके परिवार को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी का ना प्रवाह करते हुए हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहीदी दी। ये अमर शहीद हैं और सब लोग इनको याद करेंगे। और दूसरी बात मैं देना चाहता हूँ कि गांव बिरले के जो लोग जो हैं, ये लड़कों ने, नौजवान साथियों ने, जिस कमेटी ने ये टूर्नामेंट रखी है, मैं कहता हूँ कि एक मिसाल है इस इलाके की। और ये इकट्ठा ये लोगों ने मिलकर 5-7 गाँव हैं, ये तो है ही है बिरला, लेकिन आस पास के जो गाँव हैं, इसके एडजाइनिंग पंचायत जो हैं, एडजाइनिंग विलेज जो हैं, वो सभी ने जो योगदान दिया है, मैं कहता हूँ ये सराहनीय है और एक एग्जाम्पल है। ये कह देते हैं लोग कि कबड्डी का मैच करवा दिया, लेकिन ये बहुत मुश्किल है और ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं जितने हमारे यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी शुक्रिया। आज हमारी पंचायत के बिरला गाँव में जो 2 अक्टूबर को टूर्नामेंट शुरू हुई थी शहीदों के नाम से, जैसे कि हमें बताया अभी नरेश बिट्टू जी ने, सरदार लखविंदर सिंह, कृष्ण लाल और सुरिंदर सिंह जी के नाम से ये टूर्नामेंट शुरू हुई थी। और इसमें काफ़ी सारी टीमों ने भाग लिया, जो लोग सक्षम थे वो लोग जीत के गए और कुछ लोग बेचारे हार के भी गए। पर हार को मद्देनज़र ना रखते हुए हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारे बच्चे खेलों में रुझान बढ़ा रहे हैं, और जब बच्चे खेलों में रुझान बढ़ाएंगे तो वो नशे से दूर रहेंगे। और हमारा मेन मसला जो मसला है वो यही है कि हमें अपने बच्चों को नशे से दूर रखना है, और इसी के चलते हमें अपने बिरला के जो युवा पीढ़ी है उनसे शिक्षा लेनी चाहिए सभी को, कि ऐसे टीमें तैयार की जाएं, ऐसे लोग तैयार की जाएं जो हमारे बच्चों को खेलों की तरफ बढ़ाएं और हमारे बच्चों का रुझान है जो बाकी चीज़ों को छोड़कर खेलों की तरफ बढ़े। और शिक्षा के साथ साथ खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा टाइम पहले छोटी बच्चियों की टीम थी, उन्होंने दोनों टीमों ने अच्छा भरपूर योगदान दिया और जो सक्षम था वो जीत के निकला। और एक नहीं जीतना था, जीत तो एक टीम की होनी है, अगर दो टीमें खेल रही हैं तो जीतना एक नहीं है। ये चीज़ नहीं हम देखनी कि वो टीम हार गई, हार को ना मद्देनज़र रखते हुए हमने ये देखना है कि हमारी बच्चियाँ ग्राउंड में आई और खेली। आज गांव बिरला में आप देख रहे हैं इतना बड़ा एक कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ। मैं सबसे पहले थैंक्सफुल हूँ नरेश बिट्टू जी का, जिनकी अध्यक्षता में ये इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ, खास हमारे सरपंच साहब रजनी जी का, जिन्होंने मिलजुल के इस इतने बड़े लेवल का टूर्नामेंट करवाया। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट स्पोर्ट्स नहीं है, ये एक मैसेज है हमारे समाज को। आप देखो कि बिरला गाँव हमारा काफ़ी एक रिमोट एरिया में, और वहाँ पर इस तरह का टूर्नामेंट होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं जितने भी यहाँ जो यहाँ की कमेटी है, मैं उस कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, और ख़ासकर जितने भी लोगों ने मिलके इस टूर्नामेंट को सफल बनाया है। मैं अभी नाम सुन रहा था कि गांव का हर बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, चाहे वो दुकानदार था, चाहे वो मतलब कि एनजीओ से थे, चाहे कोई पैलेस वाले थे, इस सब ने कंट्रीब्यूशन करके सब ने मिल के एक टूर्नामेंट का सफल बनाया। और इस टूर्नामेंट का ये जो मैसेज है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा जो देश है, मैक्सिमम जो यूथ है वो नशे की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा हाल रहा आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम जितने भी सामाजिक लोग हैं, चाहे किसी सर, ये 2 अक्टूबर को हमने कबड्डी शुरू की थी और गांधी जयंती के वाले दिन हमने शुरुआत की थी कबड्डी की। आज फाइनल है इसका, और जो कबड्डी शुरुआत की थी वो
हमारे यूथ क्लब बिरला ने की थी। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है क्योंकि खेलों की तरफ रुझान जाएगा बच्चों के और नशों से दूर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस देश में जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी क्या मंशा है, वो नशियों की तरफ यूथ को लेकर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा आयोजन होता रहे, पूरा कबड्डी का हो चाहे वॉलीबॉल का हो चाहे फुटबॉल का हो, खेलों की तरफ बच्चों का ध्यान जाना चाहिए। और मैं मुबारकबाद देता हूं, मेरे साथ दिलीप जी आए हैं, बीडीसी चेयरमैन और मेरी सरपंच आई है रजनी देवी जी, और दीवानगढ़ की अजैब मोटम जी सीनियर लीडर कांग्रेस के आए हुए हैं, हमारे बहुत से साथी आए लंबड़दार यहाँ पे आए हुए हैं, और पूरे दर्शक आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं। और ये गाँव का खेल है कबड्डी, जो हमने इस शुरुआत की थी या शहीदों के नाम पर की थी, क्योंकि शहीद लखविंदर सिंह, शहीद कृष्ण लाल और शहीद सुरिंदर सिंह के नाम पे हमने आज जो जिसका समापन हो रहा है, और मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ, प्रबंधक टीम को, जितनी भी जीतने वाली और जो हारने वाली टीम है उसको भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसा वो मुजारा करके गए हैं। बहुत सारे स्टेटों से टीमें आई हुई थी, हरियाणा से भी आई हुई थी, अभी अभी बच्चियों का हुआ है, लड़कियों की यहाँ मैच हुआ है जो हरियाणा टीम ने जीता है, सोनीपत टीम ने, मैं उनको भी मुबारक देता हूँ। और जो इस बार फाइट हुई